तो आज जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th का, जिसका एग्जामिनेशन अब खत्म हो चुका है, मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ ताकि जो बच्चे बना के आए एग्जाम में वो देख सके कि उनका कितना सही है। चलिए तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। अगर एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए तो क्षमा करेंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको आंसर प्रोवाइड करता हूँ बना के मैथमेटिक्स से, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन आगे पीछे, लेकिन 100% इसको सही किया गया है। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से कि इसमें देखिए समाकल गुणांक यानी इंटीग्रल फैक्टर पूछ रहा है। मैं आपको बता देता हूं कि समाकल गुणांक होता है डी बाई बटा डी एक्स और प्लस पी बाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसमें जो पी है उसको इंटीग्रल फैक्टर के रूप में आई टू दी पावर पी ऑफ एक्स लिया जाता है। तो यहाँ पे आई टू दी पावर यहाँ पे माइनस कॉस है, तो आई टू दी पावर माइनस कॉस एक्स पहला का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी तल में लंब होने का जो संबंध है वो सममित है। मैं आपको दिखा सकता हूँ अगर एक रेखा दूसरे रेखा पे लंब है तो दूसरे रेखा भी ऑटोमेटिक पहले रेखा पे लंब रहेगी। ये संक्रामक इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक रेखा दूसरे रेखा पे लंब है और कोई तीसरी रेखा इसी दूसरी रेखा पे लंब है तो ये दोनों समांतर होगी ना कि लंब। तो ये केवल सममितता का पालन कर रहा है दो का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशियल इक्वेशन है 1/x। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान पाई बाई 4 ऑप्शन नंबर ए। फिर x जो है इसका मान हो जाएगा 4x-60 इज इक्वल टू 0, तो ये इधर आ जाएगा 60/4 यानी 15। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आइए, मैं इवनिंग में सब्जेक्टिव और इसका दोनों का सॉल्यूशन करके आपको डालूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आ सकते हैं 5 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन x टू दी पावर n का इंटीग्रल होता है x टू दी पावर इतना जो भी दिया हुआ है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आए, मैं इवनिंग में एक और वीडियो डालूंगा सब्जेक्टिव का और ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन का। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है dx/1+x2। इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसका ऐसे होता है tan इनवर्स x, लेकिन कहीं पे कुछ दिया हुआ नहीं है tan इनवर्स x, तो हो सकता है मिस प्रिंट हो। और उसके बाद अगर cot इनवर्स x को भी हम tan में अगर बदलेंगे तो पाई बाई 2 होता, तो मैं ऑप्शन ज़्यादा प्रीफर ये कर रहा हूँ ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर मिस प्रिंट है क्वेश्चन में या कहीं गलती है तो फिर सबको मार्क्स मिलना चाहिए और सबको मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसकी बनती है क्योंकि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ही इंटीग्रेशन है, तो ऑप्शन नंबर डी बनता है। फिर टेन इनवर्स का सबसे नज़दीकी यही है तो यही बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वह डॉट प्रोडक्ट यानी कि जो अदिश गुणन होता है वो क्रम विनिमेय होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका जो है इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 आएगा, मान पुट करके bq-aq/3 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। जब आप इसको जोड़ के कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी प्राप्त होगा। साइन इनवर्स 1/x को हम कॉसेक इनवर्स x भी कह सकते हैं। जेड अक्ष के डायरेक्शन कोसाइन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए इसका निकालने के लिए कहा गया है, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उसका जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन मैंने ऊपर किया है, आप देख के देख सकते हैं। इसका जो आंसर आया वो आया 6/7 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया है 18/15 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में जो कोटि है इसकी वो है 2 ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो पूछ रहा है इसमें कौन सा एकांक का व्यू है, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी के सारे शून्य हैं, सबको निकालेंगे तो शून्य व्यू हो जाएगा। अवकल समीकरण का समाकल गुणांक है, इसमें भी वही ये sec x इसका समाकल गुणांक बनेगा ऑप्शन नंबर सी। फिर साइन इनवर्स x का जो डिफ्रेंसिएशन है वो इतना होता है ऑप्शन नंबर ए। फिर tan इनवर्स x + cot इनवर्स x का मान पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 21 ए का कॉम्प्लीमेंट जो है जो इसको पलटेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इसका बन जाएगा 2 sin x into cos x। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का ये जो इधर देखिए निकाला गया है इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 5/8 आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 में समघातीय जो अवकल समीकरण है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका फॉर्मूला होता है f(x,y) और f(x,y) = d/g(x,y)dx, तो केवल यही उसका पालन कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। अगला xyz का स्थिति सदिश से ऑप्शन नंबर डी। 3, 4, 5 की x अक्ष से दूरी है
तीन इकाई एक्स अक्ष का डायरेक्शन जो है, एक्स अक्ष का जो दूरी है वो तीन इकाई होगा, एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 में इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस माइनस प्लस बाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, इसको भी देखिए मैंने बगल में सॉल्व किया है तो इसको भी सॉल्व करके इसका आंसर आया है एक्स का 2 और बाई का माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जब गुना करेंगे तो 0 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद भी 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 2 tan inverse x के बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स इतना। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको सॉल्यूशन भी इसका दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 इंटीग्रेशन होता है sec x का ऑप्शन नंबर बी। फिर ये देखिए ये एक विषम फलन है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है। आपको सॉल्यूशन चाहिए तो फिर से कमेंट बॉक्स में आए। क्वेश्चन नंबर 34 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो मैक्सिमम मान है वो है 1/e। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है n(e)/(n)(s) टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन से का स्क्वायर एक्स। 38 इसका जो मापांक है √422, इसका इस मान π/2 का डिफ्रेंसिएशन 0। ये इसका जब इधर देखिए मैंने करके दिया है तो इसका 1/4 आएगा। 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जब आप करेंगे तो आपको -15 आएगा, यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसको। क्वेश्चन नंबर 42 का के का हो जाता है 0 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला है 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको sin²20 + cos²20 मिलेगा, जिसका फॉर्मूला इसका मान 1 होगा। इसका जो है जो देखिए मैंने इधर सॉल्व किया है तो इसका हो जाएगा log 1/2। नेक्स्ट पी ऑफ ए कोई भी वैल्यू कोई भी घटना और उसके कम्प्लीमेंट्री का योग 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छादक होने के लिए पूरे फंक्शन का b के बराबर होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब f(x1 = f(x2) तो x1 = x2 होता है, एक ही फलन ऑप्शन नंबर ए। 0 से π/2 इसका मान हो जाएगा -1 और 50 का मान हो जाएगा π/4। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कल भी 50 नंबर का है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।